दूसरा नाम आया था राजदीप जॉन, हमसे सीनियर थे विल्सन भेंगरा, ऐसे तीन चार नाम जो प्रशासनिक सेवा में थे। प्रशासनिक सेवा में जब नाम आया तो देखे संदीप बख्शी तो बंगाली नाम होना चाहिए, लेकिन देखे आदिवासी मैंने अनुसूचित जनजाति में श्रेणी से वो पास हुआ। राजदीप जॉन उसका भी आदिवासी से, विल्सन भेंगरा उसका भी आदिवासी से, माँ ब्राह्मण है तो उसके उसके फादर ब्राह्मण है, नाम है विल्सन भेंगरा। संदीप बख्शी का पिताजी बंगाली है। राजदीप जॉन का मैं इसलिए बात को बता रहा हूं, जब मैंने जाना और कहा कि ये तो आदिवासियों का हक मारा जा रहा है, अरे ठेठ शब्दों में कह रहे हैं, ये लोग दोगला जैसा करता है, जो गलतकारी ग्रुप नहीं करता क्रॉस थे। और पूरे तब मैंने विधानसभा में प्रश्न किया सबसे कि कैसे ये जब इनके पिता ब्राह्मण हैं, इनके पिता कायस्थ हैं, इनके पिता अदर कास्ट के हैं, तो ये कैसे आदिवासी हो? विधानसभा का जवाब आता है, विधानसभा में जब आए बिहार में, जब बंदी रानी हमारे बंदी बाबा का नाम सब कुछ सुने होंगे, बंदी रानी स्टेशन बनाने की और नियत देखिए है, बिहार विधानसभा में यही प्रश्न उठाया, वहां निर्णय नहीं हुआ और इसको कंटिन्यू किया गया क्योंकि नहीं, क्योंकि उनकी माँ आदिवासी थी इसलिए दिल जाकर के ये क्वेश्चन का जवाब है। मैंने उसी समय कहा, इसी नामधारी यहाँ पे अध्यक्ष से मैंने कहा, क्योंकि अच्छा पड़ी एक मंत्री आदमी था, मैंने कहा पूरे समाज आदिवासी समाज हमारे यहाँ अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं फैक्ट्री आदर्शक, मतलब पितृ सत्तात्मक है और पितृ वंशी है, हमारा गोत्र चलता है, महिलाओं का गोत्र नहीं चलता है, पुरुष प्रधान देश है, जमीन का बंटवारा पुरुष से होता है, तो कैसे जब सब कुछ पुरुष से हमारा होता तो आप कैसे उसको आदिवासी बना? मेरी विधानसभा में परिचर्चा हुई, परिचर्चा होने के बाद लगातार मैंने वो सारे एविडेंस के साथ मैंने इसको कहा और सबसे बड़ी बात सरकार को मैंने कहा इसके माध्यम से सीएनटी एक्ट का वायोलेशन उल्लंघन किया जा रहा है, हमारी भूमि बेच दी जाएगी तो सरकार इसको रोके। दूसरा मैंने कहा कि इस प्रकार की चीजें आएगी तो हमारा आदिवासी प्रतिनिधित्व होगा घटेगा और ये जो दोगले आदिवासी जिसे कहा जाए हमारे हक मांग जांच कमेटी बनी और मैं आपको बता दूं मैं विधानसभा से पारित किया और उसके बाद कोई भी उसका बच्चा को आदिवासी का दर्जा नहीं मिल रहा, ये मेरे द्वारा पहला काम विधानसभा में किया गया जिसे काफी। दूसरी बात, आज तक लड़ाई हमें सब प्रयास से कम्पल, मैं समझता हूँ कि विरोधी के साथ में काफी पहले पढ़ा से जुड़ा हुआ भी था, चर्चाएं चलती थी, राजीव बनाता था सभा छात्र संघ के द्वारा काफी बातें अचानक काफी तेजी आई कि सरना धर्म कोड कॉलम होना चाहिए कि हमारी हमेशा मान की रही। मैंने नीतिगत प्रश्न जो मुख्यमंत्री से डायरेक्ट पूछा जाता है पूरे झारखंड विधानसभा में 2000 लगातार आप रिकॉर्ड दे सकते हैं, पहला झारखंड विधानसभा में सरना धर्म कोड का क्वेश्चन मैंने उठाया, मैंने उठाया ही नहीं सरकार को बाध्य किया, रघुवर दास जो सरकार थे सरना धर्म कोड की बात विधानसभा में सबसे पहले मैंने बाद में हेमंत सोरेन जी ऑफिस को। दूसरी बात, जो जो आदिवासी मसले थे प्रदीप उसके बाद ये तो दोनों चीज मैंने इंपॉर्टेंट है से बताया, 2007 और 2008 में मधुकोड़ा की सरकार और मुझे याद है कि 2003 में दुखा भगत जी थे, आज नहीं हमारे बीच सदनु भगत जी हमारे मंत्री, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वाजपेयी जी की, हमारे सीटें घटा दी गई थी डिलिमिटेशन का, रिकमेंड करके यहां से गया था डिलिमिटेशन का कि एमएलए का 6 सीट और एमपी का
से घटाई जाए। मैं और बंधु तिर्की को स्पेशली मधुपुरा में स्पेशली बुलाया। मैंने जब सीटें घट रही थी, मैंने उसमें जस्टिस कुलवंत थी, उसके जो आयोग के अध्यक्ष वो आए थे, हम लोग को चुनाव आयोग में बुलाया गया। सारे लोग उसमें जो भी पक्ष विपक्ष से दोनों लोग अजय भी गए, सारे लोग वहां गए। मैंने एक ही बात उसमें कही, मैं इस बात को बता रहा हूँ और लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, काफी लोग उसमें दिल्ली में दर्शक में अपने दर्ज किए। लेकिन जब चुनाव आयोग वाले ने क्या, तो मैंने कहा कि सरकार की नीति है हम दो हमारे, उसमें चलता था कि परिवार नियोजन, और अगर आदिवासी अगर परिवार नियोजन किया या सरकार की नीतियों को माना और अपनी संख्या को बरकरार रखा और कोई जनसंख्या बढ़ा रहा हो तो दंड तो उसको मिलना चाहिए, दंड तो हमको मिल रहा है। फिर मैंने तो जब से 1947 से लेके 2000 तक का लगातार बोकारो से लेके धनबाद से लेके जहां जहां डिस्प्लेस हुए हैं, जहां जहां सबको विस्थापित किया गया, उसमें विरोध किसको का जी पूरा हमने डेटा दिया था, वो सारी चीजों को मैंने लेकर रखा कि कैसे हम यहाँ जैसे विस्थापित हुए हमारी संख्या घटाई गई और जिसका नतीजा उसी हमें क्यों मिला। हमने राष्ट्र के निर्माण में अपनी जगह दी, हमने फैक्ट्री बनने दिया, अपनी जगह दी। आज और भी कारण है, मैं नहीं कहा, लेकिन इस चीज के लिए सबसे पहले हम लोगों ने किया सबसे बड़ा उदाहरण हमने दिया कि अगर सरकारी नियमों का हमने माना तो हमें दंड नहीं मिलना चाहिए। तो फैमिली फ्रेंड के बात ये दो अहम मुद्दा रहा जो मैं लगातार आदिवासी के बड़े मुद्दे, इस मुद्दे को मैंने बहुत ही विस्तार से वहां भी रखा, दिल्ली में रखा, उसके बाद हमें रखा मैं रुका गया और ये 26 तक अभी रुका हुआ है। 26 में फिर लिमिटेशन, ये भी आपको बता रहे 26 में फिर लिमिटेशन। तीसरी चीज जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात है, सीएनटी एक्ट में संशोधन, रघुवर दास ने सीएनटी एक्ट में संशोधन ले आए, संशोधन लाए, उसमें संशोधन में एक लाइन होता कि फिर प्रॉपर्टी एक्ट होता। सबसे पहला राजभवन जाने के द्रौपदी मुर्मू जी की पहला नाम 248 में विरोध दर्ज है, पहला विरोध दर्ज है सुखदेव भगत कांग्रेस अध्यक्ष रूप में विरोध दर्ज है। और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उसके बाद लगातार विधानसभा हमने घेराव किया, लगातार विधानसभा घेराव किया और नतीजा 9 अगस्त को हम लोगों ने विशाल पैमाने पर घेराव किया और 11 अगस्त को जो आदिवासी से रिलेटेड है, आदिवासी होने के नाते मैंने उसको प्राथमिकता के साथ मैंने उस पटल पर और पटल पर रखा नहीं, उसमें सफलता भी दिलाई। अब रही बात सरनापुर के बारे, हम 1 फरवरी जब यहाँ से विधानसभा से बाहर पर 1 फरवरी को रजिस्ट्रार जनरल जोशी जी के यहाँ दिल्ली गए, 1 फरवरी को मैंने सारी चीजें वहां दिल्ली में जाकर हम मिले, सारा डिटेल जानने के बाद मैंने यही बताया कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और अभी सरकार को भी ये संभावना नहीं है। आपको एक चीज जैसे इसमें का आदिवासी समाज के लाभ का क्या योजना है, क्या करना चाहते, पहला तो मैं आपको बताऊं, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, पहली योजना मेरा यह है क्योंकि धार्मिक पहचान है, धार्मिक पहचान इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारा सिख से जैन से बौद्ध से भी हम ज्यादा है, 12 करोड़ से ज्यादा है, हाथियों की गिनती होती है, बाघ की गिनती होती है, और हमारी अगर धार्मिक रूप गिनती नहीं होती है इसका मतलब मेरा वाहन मेरा पुजार मेरा सरना स्थल तो भारत सरकार मान्यता नहीं देती। तो पहला धार्मिक पहचान के लिए मेरा आज भी मैं आश्वस्त करना था योजना के बारे में, अगर मैं जीत जाता हूं तो संसद में मेरा पहला प्रश्न जो होगा वो सरना धर्म कोड होगा। दूसरी बात, ये
शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इस बात को विशेष करना चाहूंगा। अभी आप पूछिए गांव के प्रधान या पुजार तो पूछिएगा कि हमारा कितने इलाज में पहने जाए होते बहु इस टाइप का बात चट नहीं बोलते। सरनाथ गांव कितना पूछेगा तो पता चला कि हम सरना प्रार्थना सभा अली प्रार्थना सभा जो पांच लाख घेरे है पूजा करने के फीडर को उतना ही है की सीमा काम है। मेरा पहला काम है जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जमीन से हम जुड़े यही मेरी पहचान है। इस वक्त सूचीबद्ध और लिपिबद्ध करके ऑन रिकॉर्ड लाना ये बहुत बड़ी बात है मेरी पहचान की बात। जब तक आप सूचीबद्ध नहीं करेंगे क्योंकि 1864 में राठौर दास सरनाइक सर्वे हुआ था उसके बाद प्रॉपर रेलवे सर्वे नहीं हुआ तो ये दिनों दिन निकल रहा हूं। हम तो अपने मुखिया लोग से भी करते हैं जो जीते हैं वार्ड से कि अपने जगह क्योंकि जो पुरखा लोग इतना बता पाए ये पढ़ने जमीन है ये भूखेटा है ये ढोलपीटा है क्योंकि क्या करके मानिए ढोलपीटा के नाम पे हम किसी महली के पास सहमा देते वही किसी ने कहीं और निकाल दिया किसी लोहार का जो जगह बना के निकाल दिया तो आपकी भूमि कम हो रही है आपकी पहचान कम हो रही है। तो सबसे पहले के रिकॉर्ड बनाना और रिकॉर्ड बनाना बहुत सिंपल से बात है कॉपी लेके एक रेमिडी विकसा हम लोग तौर पर खाका तैयार करें चीज लाए कर्मचारी से मुहर मारे और सीओ का अगर दस्तावेज बना लें तो बहुत मेहनत का काम उसमें नहीं है लेकिन काम जब सूचीबद्ध हो जाएगा तो कल को हमारे लिए बहुत बड़ा था क्योंकि जमीन के साथ ये मेरा दूसरा काम है सरदार कोर्ट के साथ जमीन का ये काम। तीसरी चीज एक इकोनॉमिक कोई भी समाज हम लोग का आज भी आदिवासी समाज बदल रहा है पहले तो हमें खेती का तत्व हो जाता ये एक महत्वपूर्ण और आपके सहयोग से होगा जो हम बार बार लगातार परिचर्चा भी नए रोक सकते किसी भी कारण से मेरे बच्चे पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए। अगर जिंदगी जीना है तो इसको हम सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि हमारी पारंपरिक व्यवस्था को हम रजिस्टर्ड कर नहीं सकते हैं फिर समाज को रजिस्ट्रिया कराए गए समाज का अपने आप में परिचित तो हमारा एक ही उपाय बनता है कि हम ना प्रभाव को रजिस्ट्री करा सकते हैं ना हम किसी और को रजिस्ट्री करा सकते मतलब रजिस्टर्ड संस्था नहीं बना सकते। तो बेस्ट व्यवस्था इसके लिए हमें लगा कि हम अपने समाज के मैक्सिमम लोगों को जुड़े वो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़ के जैसे हम महाराष्ट्र में गए थे सभी करने के शरद पवार का नाम लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से भी वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का आर्थिक मेरा भी एक महत्वपूर्ण इच्छा मेरी है कि जितना अलग अलग एक ही नहीं आपको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाइए ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के मैक्सिमम युवाओं को उसमें जोड़ के सरकार की योजनाओं के साथ साथ उसको हम सक्षम बना। चौथी चीज जो बहुत सारी चीजें चौथी मेरा टॉप प्रायोरिटी है चौथी चीज है वो पढ़ा व्यवस्था के बारे में और ये देखिए अभी संयोग हुआ हम दो आदमी से हम इसके बारे में बहुत जानकारी हासिल करते थे विनोद जी सामने है पढ़ा संयोजक के रूप में पढ़े थे और आज नहीं हमारे जीवन में पार्टी के नारायण ये दोनों से मैंने काफी सीखा है जब परिचर्चा भी करते थे हम लोग समय लगता है कम पैसे में हम
उस व्यवस्था को ले जाए, एक सजेशन भी है। मेरी इच्छा है कि भाई यहाँ के पढ़ा, हमारे पढ़ा के बेल कौन है, हमारे पढ़ा के इमाम कौन है, पढ़ा के कोषाध्यक्ष कौन है, जो जो सिस्टम पढ़ा के सिस्टम होता है उस सिस्टम का सूचीबद्ध करवाते हैं वो चीजें आपके समक्ष होनी चाहिए, ताकि कल को लोग जानेंगे हमारे पढ़ा के ऐसे। ये बेसिक मतलब चार चीज जो कि हम प्राथमिकता में रखे हैं। और साथ ही साथ एक अंतिम में जो मैं कहना चाहूंगा महत्वपूर्ण है, और ये समाज ही निर्णय कर सकता है। हम लोग होता क्या है, कोई भी सामाजिक योजना मेरा कार्यकर्ता है, मेरे अपने पहचान के हैं, महेंद्र जी है मेरे के बददादा, यहाँ पर हमको मिलने में भवन दे दिए, लेकिन मेरा कहना उससे होता क्या है कि सामाजिक रूप से प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। अगर यहाँ समाज तय करे हम जाके भाई हमको इस बार हमको 1 करोड़ रुपया खर्च करना है, 50 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं सामाजिक रूप से, तो आप योजना मतलब आपके माध्यम से मेरी योजना है सफल हो या यूनाइटेड, उससे दो चीजें होंगी। कोई भी सांसद या कोई भी विधायक वो लायबल रहेगा आपके, उसको लगेगा कि आप नियंत्रित कर रहे तो समाज ऊंचा बन रहा है, व्यक्ति ने यहाँ लगता कि सुझाव विधायक हुआ तो वो आगे हुआ समाज पीछे हो जाता है। मेरा कहना है समाज आगे रहे और व्यक्ति पीछा। तो ये मेरा सजेशन है कि हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से चीजों का निष्पादन हो। तो एक बहुत व्यक्ति बहुत दिन कह सकता कि नहीं आप तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी की बात पहले आएगी, तो पार्टी की बात आएगी, बहुत सारी योजना है, लेकिन सामाजिक काम क्योंकि आदिवासी बहुत क्षेत्र है, पांचवी अनुसूची का क्षेत्र, तो पांचवी अनुसूची के क्षेत्र में जो चीजें हम सामाजिक रूप से समाज को हम दे वो आपके माध्यम से। ये माध्यम एक अंतिम चीज जो सबसे महत्वपूर्ण हम कहना चाहेंगे, और इसमें आप सबों का सहयोग चाहिए। अभी लगातार आप देख रहे हैं रांची हो, लोहरदगा हो, हमारी माताएं हमारी बहनें, माताएं तो नहीं कहेंगे हमारी बहनें, भाई अदर कास्ट में शादी करती है, अदर कास्ट में शादी करने के बाद जमीन तो खरीद रही है, जमीन कैसे खरीदे, परमिशन तो आपके पिताजी दे रहे हैं, तो जमीन हो क्या शादी की नहीं की हम बहुत ज्यादा उसके व्यक्तिगत नहीं जा रहे, फिर उनके माध्यम से मेरी जमीन भी जा रही है और राजनीतिक हक भी है, मुखिया तो वही लड़ रहे प्रमुख वही बन रहा है, कल के मेले बन रहा है, रांची में जिला परिषद बन रहा है, या इसको तो रोकना है। ये सब मेरी प्राथमिकता सूची में, ये 4-5 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, रोड नाली मेरे प्राथमिकता में नहीं है, मेरी प्राथमिकता में नीतिगत बातें जो इससे समाज प्रभावित होता है वो मेरी प्राथमिकता। ये 4-5 आपने सही कहा कि आगे से समाज के लिए आपका क्या योजना है और क्या करना चाहते हैं, ये मुख्य तौर पर मेरी यही 5 चीजों को मैं करके जा रहा हूँ, और अच्छा लगा। और अंत में मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने और बहुत अच्छी परिचर्चा, समाज को हक है क्योंकि आदिवासी समाज में जन्म लिया का तो चुनाव लड़ रहे, तो पहला दिन तो जाता है समाज से प्रति जाना कुछ बिल्कुल चुकाना है, ये बहुत बड़ी बात है, लोकसत्ता कोई व्यक्तिगत नहीं, क्योंकि सबने पर आप चुनाव लड़ने के लिए तब बात हो गए क्योंकि आदिवासी समाज में जन्म है, आदिवासी समाज की तो करना क्या, इसलिए इन बातों को मैंने कहा। मुद्दे बहुत सारे लेकिन टॉप प्रायोरिटी मेरा ये 5 है, ये 5 टॉप प्रायोरिटी को मैंने यहाँ पे बताया है, और साथ ही साथ मैं पुनः आप सबों को ये आश्वस्त करता हूँ कि जो भी आदिवासियत के मसले हैं उसकी सूच यहाँ बहुत खुशकिस्मत रहे हैं कि विभाग के बाद दिल्ली बड़े अवसर रहे और विदेश में भी हमको इन मुद्दों को लेकर जाने का अवसर मिला, तो थोड़ा मुझे और लोगों को थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा मिला, तो निश्चित रूप से मैं कर पाऊंगा आश्वस्त करता हूँ। और आज भी इन बातों को मैंने कहा, कोई राजनीतिक बातें नहीं है, ये स्पष्ट रूप से मेरी प्रतिबद्धता है, मेरा कमिटमेंट है, मेरा आपसे वादा है, और पूरे नियत के और पूरे दायित्व के साथ आपके समक्ष इस बात को हम रख रहे हैं। और अंत में आपसे विदा लेना चाहेंगे क्योंकि एक दो कार्यक्रम है, लेकिन लेकिन इसके पहले मैं चाहूंगा जो आयोजन आप लोगों ने इस आयोजन का बहुत महत्व है, महत्व इसलिए है कि पहली बार और ये एहसास कराना है, कोई भी व्यक्ति एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, उसको ये एहसास करना जरूरी है कि समाज पहले है, समाज बड़ा है, आप उसके पास
इस तरह से लगातार ये आएगी और मैं कह सकता हूँ कि ये अच्छी शुरुआत की और मैं वादा करता हूँ जिन बातों को मैंने कहा जो रिकॉर्ड में भी आया है रिकॉर्ड में रख सकते हैं और अगर चीजें जो जनादेश अगर मेरे पक्ष में रहा और मैं क्या आप मुझे कह सकते हैं आपने इन इन बातों को अपने वायदे के इसका क्या प्रश्न करने का आपको उसमें पूरा अधिकार होगा और निश्चित रूप से प्रश्न करने का अधिकार के साथ साथ उसको एहसास भी कराना होगा। आपने कहा है कि राजनीतिक बातें नहीं है ये सामाजिक बातें नहीं है क्योंकि समाज के लिए एक पॉलिटिकल वर्कर यहाँ पे नहीं है समाज से अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं आप लोग यहाँ पे बुलाए इस समय।